गीता के 457 पेज पे मैं आ चुका हूँ। अध्याय 13 है, इसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन बोलते हैं, प्रकृति पुरुषम चेव क्षेत्रम, क्षेत्र गममयो च, एतद्वेत मिच्छामि ज्ञानम केच केशव। और श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं, इदम शरीरम कौन्तया क्षेत्र मिथ्या भितित्यते एदतो वेति त प्राहु क्षेत्र इति त्वादिति। तो अर्जुन ने क्या कहा, ये बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने को इच्छुक हूँ। तो तीन चीज़ पूछ रहे हैं, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानना चाहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण जी से। अब श्री भगवान ने क्या कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, ये क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ये शरीर हमारा क्षेत्र है, और जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि मा विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र योग्यार्णम यक्त ज्ञानम मक्त मम। यानी हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस तरह इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो हे भरतवंशी, अर्जुन को भरतवंशी कहा गया है, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, यानी समस्त शरीरों में मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। इस शरीर को और इस ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। यानी शरीर को जो जान लिया वो एक तरह से ज्ञाता हो गया, ये मेरा मत है। फिर बोलते हैं, ततम क्षेत्रम यक्ष यादुक्ष यादिकारी यतस्य यत स च यो यत् प्रभावस्यो तत्म समशाने मे श्रीणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, और ये किस प्रकार बना है और इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है, इस कर्म क्षेत्र को कौन जानता है और इसका क्या प्रभाव होता है, ये श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोल रहे हैं। ऋषि भी बहुर्दा गीतम छंदो विविर्भते पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्वच हेतु मदीव विनिरस्यते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इससे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो बोल रहे हैं कि ऋषि जो हैं वो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और उसके बारे में बताया गया है। फिर बोलते हैं, महाभूता नैयंकारो बुद्धिरेव व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पश्च चेन्द्रे गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एत क्षेत्रम समासेन
स्वीकार मुदा हर्तम, यानी पंच महाभूत कौन कौन से हैं, अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों का अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रियां इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।